शाइस्ता तुमने पहली दफा गाड़ी खरीदी थी वो कौन सी थी? कल्टस। एआर वाई के पैसों से, एआर वाई के पैसों से, मतलब एआर वाई के तनख्वाह जमा करके मेरे मेरी मेहनत के। हाँ तो मेरी पहली गाड़ी फॉक्सी थी। फॉक्सी? हाँ। उससे पहले मोटरसाइकिल थी मेरे पास, बाइक 70 बाइक थी। हाँ। उसके बाद से ही लाइफ फॉक्सी हो गई है हमारे। मैं मजे किस्सा सुनाता हूँ। मैंने नहीं 70 मोटरसाइकिल मुझे पसंद नहीं थी। हाँ। तो पीटीवी का ड्रामा कर रहा था तो मैं बाइक बहुत पीछे छुपाता था, हेलमेट साइड में रखता था, बार बना के शो ऐसे करता हूँ गाड़ी में आया हूँ। ड्रामे का स्टाइली फिल्म का हीरो था मैं। तो जो डायरेक्टर थे हारून अंकल साहब, हारून रेन साहब, उन्होंने पैकअप बोला यार मुझे यहाँ से छोड़ देगा, उनको लगा मैं गाड़ी में आया हूँ। अब सब लड़कियां वड़कियां बैठी हुई हैं तो मैं कुछ बना ही नहीं कर पाया कि मेरा बाइक है। खैर मैं चुप रहा, सब चले गए जिनके पास गाड़ियां थी, उन्होंने ऑफर दिया मैं मेरा नहीं यहाँ से छोड़ देगा। सब चले गए, मैं कहा अंकल वो मेरे पास बाइक है। नहीं यार पहले क्यों नहीं पता, मैं हम सबके सामने पूछा मैं छुपाता हूँ। खैर भाई चलो ऑप्शन भी नहीं है, पी टी वी कब लेता। अच्छा बाइक पीछे बैठे, शुगर पेशेंट थे वो मरूँ, बहुत अबू के बहुत से दोस्तों में से थे। पीछे फुटरेस था पाँव रखने वाला, वो नहीं था। अब मैं बैठा, अंकल बैठे हैं, बोला ये पाँव कहाँ रखूँ। मैं अंकल ये चेन की ऊपर कवर नहीं है उसके ऊपर रखे एडी। बोला मेरा पाँव टायर में चला जाएगा। मैं नहीं जाएगा। अच्छा उन्होंने घर तक पाँव रखा हवा में। एक पाँव हवा में रखा उन्होंने। सुबह में आया हूँ पीडीवी तो पहले तो गार्ड ने मुझसे पूछा, बोला यार ये आपने क्या किया हारून साहब। मैं क्या हुआ यार आप उनको बाइक पे ले गए तो। बोला उनका पाँव सूज गया यार। अब वो हारून अंकल जो है हॉकी लेके आए हुए पीटीवी गेट से लेके स्टूडियो तक सबको बताया है कि यार भी है ना। मैं फिर क्या हुआ, क्या हुआ? मैं यासु के साथ गया था, बाइक थी, उसे बताया नहीं, मेरा पाँव मैंने हवा में रखा, मैं शुगर पे यार। पूरे पीटीवी को पता मेरा बाइक है मशहूर आज तक आपको बाइक वाले बाबा के नाम से।